आज सीएम का रहा और अब जयपुर के लिए वापसी है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के क्योंकि अहम दौरे पर थे, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण को लेकर गहलोत ने कहा कि पैच वर्क को समय पर करवाने की उन्होंने बात कही है। केंद्र सरकार पर साधा निशाना भी इस दौरान उन्होंने साधा। अनुमति नहीं मिलने के कारण मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जा सका, G20 के प्रोटोकॉल के चलते नहीं मिल सकी जानकारी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप साबित हो रही है, दूध उत्पादन में आज राजस्थान नंबर 1 पहुंच गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चलिए वो आपको सुना दें। अजीब स्थिति बनी हुई है, कल उदयपुर में थे, उदयपुर से मुझे जाना था जयपुर, ठीक है, वहाँ जाना था मुझे हेलीकॉप्टर से सीकर, सीकर जाना था मुझे निवाई और जयपुर आना था। आपने परमिशन दी नहीं वहाँ उड़ने की, तो भाई G20 का जो है कॉन्फ्रेंस चल रही, इसलिए हमने प्रिकॉशन ले रखी है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कई बार। अब हम बैठे रहे, मुख्यमंत्री बैठेगा तो प्लेन उड़ सकता है या हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर खाली जाएगा आगे जयपुर, मेरा जाने का प्रोग्राम था प्लेन से, तभी हम आगे जा पाते हैं। देखा वहाँ पे तो बिल्कुल मिलनी थी परमिशन, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन इंडिया ने, लॉ कमीशन ने, अब पार्लियामेंट्री कमेटियों ने कई बार अपने सुझाव दे चुके हैं इनको, आपने उनकी तरफ ध्यान दी नहीं रहा। आप उसकी बजाय आप जो है अचानक कमेटी बना दी आपने, दूसरा जहाँ मेरे नॉलेज है या मैं समझ सकता हूँ, राष्ट्रपति बहुत बड़े पद की गरिमा होती है, वो जो उनका टर्म खत्म होता है उसके बाद में कमेटी के चेयरमैन कभी बना नहीं जाता उनको, तो कमेटी जब बनती है तो उसके कई कमेटी बनने के बाद में कई बार आलोचना भी होती है, कमी निकाली जाती है। राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल नहीं कोई राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाया जाए, उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए तो अच्छा रहता, और मैं समझता हूँ राष्ट्रपति को राष्ट्रपति खुद ही मना करे तो और भी अच्छा रहता। मेरे समझ नहीं आती को क्यों उनको बनाया गया, सारी फ्लॉप हो रही यात्राएँ, घबराए हुए लोग हैं, घबरा रहे लोग, कहीं जा नहीं रहे लोग, इनके मुश्किल से लोग आ रहे हैं यात्राओं में, और आरोप में कोई दम है नहीं इनके, ये स्थिति बनी हुई है। फ्लॉप भी हुई उसका क्या जवाब है, यात्रा के जो हालात हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उनमें कोई दम होता तो फिर यात्रा में दम होता, आरोप में दम नहीं है तो फिर यात्रा में दम कैसे होगा। हमारी इतनी योजनाएं हैं, रोज आप पढ़ते हैं अखबार के अंदर, कौन कौन फैसले होते जा रहे हैं, IT बेस भी अभी फैसला हुआ बीकानेर जोधपुर मिला करके, या फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है 600 करोड़ रुपये, तो हम लोग काम शुरू कर दिए वहाँ पर जोधपुर के अंदर। IT पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, तो जो स्टार्टअप वाले बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इससे। हर क्षेत्र में राजस्थान ने गुड गवर्नेंस दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है जनता का मूड, बेटे तो माए बाप जनता होती है, वो ही फैसला करेगी। मुझे लगता है कि जनता इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से फलौदी पहुंचे, वहां से रामदेवरा गए, वहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहां से फलौदी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चौड़लिया गांव पहुंचे, जहां समाजसेवी कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के बाद ओसियां विधानसभा क्षेत्र के डाबरा गांव पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह की मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण करने के साथ समारोह को संबोधित किया। इस दौरान स्वर्गीय रणजीत सिंह की धर्मपत्नी बदन कंवर के अलावा उनके पुत्र अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए हजारों लोग दूर दराज गांव, ढाणियों और कस्बों से इस आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करने के साथ कहा कि सरकार ने कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। वहीं कोरोना प्रबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल का भी उल्लेख किया।
जोधपुर के हॉट सीट समझे जाने वाले ओसियां विधानसभा क्षेत्र के डावरा गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने और देखने के लिए जिस रूप में हजारों की भीड़ उमड़ी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति क्रेज पहले की तरह ही बरकरार है। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी गोदारा, रिको डायरेक्टर सुनील परिहार, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, कांग्रेस देहात अध्यक्ष विजय लक्ष्मी बिश्नोई सहित समाज सेवी और छात्र नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मूर्ति क्यों लगाई जाती है? क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे महापुरुष हो, आने वाली पीढ़ियां ले, नौजवान भी, ये मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई जानकारी प्राप्त करता है, कुछ सीखता है उससे, मन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ जिंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए ये अच्छी परंपरा हमारे देश में है, जहाँ पर गांव गांव में शहीदों की मूर्ति लगती है, महापुरुषों की लगती है, हम लोग नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्र सिंह जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे, ऐसे व्यक्ति के मूर्ति अनावरण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं घनश्याम सिंह जी का, इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उन्होंने याद किया इस मौके पर, मेरे लंबे अरसे से ओसियां क्षेत्र में आना हो नहीं रहा था, आज मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, अपनापन लग रहा आप लोगों से। मुझे आपसे मिलकर के सुकून मिल रहा, सुकून मिल रहा। आप समझ सकते क्यों? मैं एमपी बनने के बाद मैं इतना घुमा हूँ ओसियां के गाँव में, पड़ोसी के अंदर, बाप के अंदर, गोपालगढ़ के अंदर, लूनी के अंदर, बिड़ला के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। एक एक गांव में ज़्यादा अकाल में सूखे में 20 साल तक मैंने सेवा करी है। गांव गांव में जाकर के मैंने सीखा है, तो जोधपुर के लोगों, गांव वालों सीखा मैंने। गांव में कहीं सेवा की जाती है, कहीं गांव में बचा जाता है, चारे का प्रबंधन करना हो, अकाल के काम खोलना हो, मजदूरी पूरी मिली कि नहीं मिली, पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और ढांडों के लिए भी, वो जमाना देखा हमने। बाद में तो सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कानून पास कर दिए हैं देश के अंदर, इतिहास बना दिया है कि आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ राइट टू एजुकेशन अधिकार दे दिया देशवासियों को, शिक्षा का, सूचना का, खाद्य सामग्री का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और साथ में नरेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काउंटिंग की थी और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही कहा था ये नरेगा क्या चीज़ है, ये नरेगा मैं बंद नहीं करूँगा, ये कांग्रेस के स्मारक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा देश के अंदर। इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण था। आज 9 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए, वो बंद नहीं कर पाए नरेगा को। नरेगा जीवनदायी नहीं साबित हुई है। नरेगा से जो कोरोना आया था, हमने शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना के अंदर, राजस्थान का देश बेमिसाल बिलोड़ा मॉडल हमारा देश और दुनिया के अंदर पहुंच गया। WHO ने भी तारीफ करी कि भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान सरकार ने लागू किया है, वही कोरोना से इंसान को बचाएगा। इस प्रकार का शानदार मॉडल पैदा हुआ, वो राजस्थान की धरती से हुआ था, भीलवाड़ा से हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हमने कोई कमी रखी नहीं है। कोई जो आपने आशीर्वाद दिया, तो 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, स्वास्थ्य में नंबर 1 हो गए देश के अंदर, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर आप लोगों के लिए है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? प्रीमियम हम लोग बोल रहे हैं। 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हमारी बहनों को, बेटियों को, तकलीफ नहीं पाए वो कर दिया है। खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दालें हो, चाहे चीनी हो, चाहे वो मिर्च मसाले हो, चाहे तेल हो, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। शहरों में रोजगार की योजना शुरू कर दी है नरेगा की तरह। लंपी रोग में गाय मर गई थी हिंदुस्तान में, कहीं नहीं किया हमने। 40,000 रुपये प्रति गाय दिया पशुपालकों को, गाय मर गई थी, राजस्थान के अंदर दिया हमने।